गुजरात में जुबानी जंग भले ही थम गई हो, लेकिन इसके साइड इफेक्ट मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। जनता के सामने एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में राजनेता अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने से भी नहीं चूक रहे। ऐसा ही कुछ मामला छिंदवाड़ा में सामने आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कमलनाथ की सभा में पांडुर्ना से कांग्रेस विधायक जतन उइके ने मर्यादा की सीमा लांघते हुए प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के प्रति अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है। हमारे हिंदुस्तान में दो मशीनें हैं बेवकूफ बनाने की, जिसको हम गांव की भाषा में कहते हैं कि चल भी नहीं कहना। उन्दी मशीन है पड़ा वाले दिल्ली से मनता कना पांडे पांडे की दाड़ी है मशीन था बोला नाम है नरेंद्र मोदी। उन्दी मशीन नहीं हूँ चुडुक मशीन शिवराज सिंह चौहान, ये कैसे बदलाते हैं बनाते हैं। अब इन्होंने बड़े बड़ी मशीन बना दिया 15 लाख का, ये छोटी मशीन बहुत गड़बड़ मशीन लाने लक्ष्मी होता खूब फेंकते रहता। मान लो भांजो तुम मेरे मैं तुम्हारा किसान का बेटा हूँ, तुम हरामखोर बाप को जेल पहुंचा रहा तो कैसा किसान का बेटा, बाप को जेल पहुंचा रहा बिजली बिल हम लोग नहीं दे पा रहे तो अंदर कहा जा रहा है। कांग्रेस विधायक की इस तरह की भाषा को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने निंदनीय बताया है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय ने भी विधायक की अभद्र भाषा की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक हताशा बताया है। कांग्रेस के नेता और विधायक राजनीतिक हताशा में अनाप शनाप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये सर्वथा निंदनीय है। सार्वजनिक जीवन में अपने विरोधियों के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति भद्र भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, और कांग्रेस विधायक ने जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, छिंदवाड़ा।